एक समय की बात है कि रानीपुर का जंगल बहुत हरा भरा और सुंदर था। उस साल जंगल में बहुत जाड़ा पड़ रहा था, जिससे सारे पंछी अपने घरों में दुबके बैठे थे। सर्दी के कारण हर जानिब खामोशी थी और हर शय को बर्फ ने ढक दिया था। मीनू चिड़िया अपने घर में बैठी अपने काम कर रही थी कि अचानक उसको आवाज आती है, माँ माँ मुझे बचाओ माँ। अरे ये किसकी आवाज है? जरूर बाहर कोई बच्चा रो रहा है, लेकिन इतनी सर्दी में किसका बच्चा बाहर निकल सकता है। इतने में वो आवाज दोबारा आती है और मीनू चिड़िया चिंतित हो जाती है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, शायद कोई किसी तकलीफ में होगा, लेकिन बाहर तो बहुत सर्दी भी है। इतनी सर्दी के बावजूद मीनू चिड़िया बाहर जाकर देखती है, एक छोटा सा पंछी अकेला जमीन पे बैठा रो रहा था। मीनू चिड़िया को उस पर बहुत दया आती है। मुझे लगता है ये अपने माता पिता से बिछड़ गया है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जाड़े का मौसम है और मेरे पास तो अनाज बहुत कम बचा है। अगर मैं इस बच्चे को घर ले आई तो इसको क्या खिलाऊंगी? मीनू चिड़िया इन्हीं सोचों में होती है कि बच्चे के पुकारने की आवाज दोबारा आती है, माँ माँ मुझे बचाओ। मीनू चिड़िया बाहर जाके उस बच्चे को अपने घोंसले में ले जाती है और उसको आग के पास बिठाती है। मीनू चिड़िया को उस पर बहुत दया आती है, वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती है। मीनू चिड़िया ने बहुत मेहनत करके जाड़े के मौसम के लिए अनाज इकट्ठा किया था, लेकिन उसने अपना आधा भोजन उस बेसहारा बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया। अरे समय बीतने के साथ ये बच्चा बड़ा होता जा रहा है और मुझे इससे बहुत लगाव हो गया है। अगर ये चला गया तो मैं इसके बिना कैसे रहूंगी? माँ माँ मुझे भूख लगी है माँ। मीनू चिड़िया बच्चे को भोजन करवाती है। अब उसके पास थोड़ा ही अनाज बचा था, लेकिन जाड़े का मौसम अभी बहुत लंबा था। मीनू चिड़िया इस बात को लेके बहुत चिंतित थी। एक रोज मीनू चिड़िया अपनी ही सोचों में बैठी थी कि बाहर दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने बाहर जाके देखा तो कोई ना था, बल्कि अनाज की एक बोरी पड़ी थी। मीनू चिड़िया ये देख के बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन उसके पास अनाज खत्म था, इसलिए उसने अनाज की वो बोरी अपने घर में रख ली। एक रोज मीनू चिड़िया अपने मित्र मिट्ठू तोते से मिलने जाती है। अरे मीनू बहन, इतनी सर्दी में कैसे आना हुआ? खैर तो है ना? हाँ मिट्ठू भैया, आपसे एक बात करनी थी। मीनू चिड़िया उस बच्चे के मिलने से लेकर अनाज की बोरी तक सारी बात बता देती है। अरे मीनू बहन, ये तो बड़ी हैरानी की बात है, इस तरह अनाज की पूरी बोरी कौन रख के जा सकता है? हाँ मिट्ठू भैया, जिस दिन अनाज की वो बोरी मुझे मिली उस दिन मेरे घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं था और मैं बहुत चिंतित थी, लेकिन फिर मैंने और मेरे लेपालिक बच्चे ने वो अनाज खा लिया। अरे मीनू बहन, हमें इस बारे में पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो अनाज कौन रख के चला गया। मिठू तोता और मीनू चिड़िया अपने मित्र कालू कवे के पास जाते हैं और उससे सारे मामले पे बात करते हैं। कालू कवा भी ये सुन के बहुत हैरान होता है। अरे मित्रों, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, कोई किसी को अनाज की पूरी बोरी कैसे दे सकता है? काफी सोचने के बाद वो सब मित्र अपने घरों में चले जाते हैं, क्योंकि शाम होने के कारण जाड़ा बहुत बढ़ गया था। रात में मीनू चिड़िया अपने लेपालिक बच्चे को सुला के आग के पास बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी कि अचानक से दोबारा दस्तक हुई।
मीनू चिड़िया फौरन उठ के दरवाजे पे गई तो वहाँ एक सफेद कपड़ों वाला बुजुर्ग खड़ा था और उसके हाथ में एक अनाज की बोरी थी। अरे आप कौन हैं और ये अनाज क्यों लेकर आए हैं? अरे आज तो तुमने मुझे देख लिया, मैं तो जाने ही वाला था। दरअसल ये अनाज तुम्हारा इनाम है। तुम्हारे पास बहुत थोड़ा अनाज था लेकिन फिर भी तुमने उस रोते हुए बच्चे को अपने घर पे रख लिया और उसका ख्याल भी रखा, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा अनाज बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। उस बच्चे को मैंने ही भेजा था ये देखने के लिए कि कौन सा पंछी है जो कि सबसे ज़्यादा दयालु है। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आई, इसलिए अब इस बच्चे के साथ तुम्हारा अनाज भी मैं लेकर आया हूँ। मीनू चिड़िया ये सुन के बहुत खुश होती है और उसे खुद पे गर्व होता है, क्योंकि जो लोग अपने कठिन समय में भी दूसरों की मदद करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा इनाम होता है। मीनू चिड़िया उस बुजुर्ग का धन्यवाद करती है और अंदर आके अपने बच्चे को परों में दबा के सो जाती है। एक समय की बात है कि रानीपुर का जंगल बहुत हरा भरा और सुंदर था। वहाँ बहार का मौसम था और इसी कारण जंगल की सुंदरता में और भी इजाफा हो गया था। उस जंगल में एक लक्ष्मण तोता रहता था जो कि बहुत अमीर कबीर था। उसके पास बहुत ज्यादा मालो दौलत था और वे बहुत दयालु भी था। जंगल के गरीब पंछियों का वे बहुत ख्याल करता। लक्ष्मण तोते भैया कैसे हैं आप? अरे अरे आओ मीनू बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे आना हुआ? लक्ष्मण तोते भैया मुझे आपसे एक काम था, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आपके अलावा इस जंगल में और कौन सा पंछी है जो मेरी सहायता कर सके? अरे हाँ मीनू बहन बोलो, तुम्हें क्या काम है? मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। लक्ष्मण भैया आज सारा दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी जिसके कारण मैं भोजन लेने नहीं जा सकी। आप तो जानते हो मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो अकेले बाहर नहीं जा सकते, मुझे उनके लिए थोड़ा सा भोजन मिल सकता है क्या? मीनू बहन तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए हो तुम मुझसे ले सकती हो, तुम्हें जितना भोजन चाहिए तुम ले जाओ और अपने बच्चों का पेट भरो। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण भैया, आप बहुत अच्छे हो। इसी तरह किसी भी पंछी को मदद चाहिए होती तो लक्ष्मण तोता हमेशा उनके काम आता। लक्ष्मण तोता बहुत अमीर था लेकिन उसके जीवन में एक ही कमी थी, औलाद की। उसके यहाँ कोई औलाद ना थी जिसके कारण वे बहुत उदास हो जाता। एक रोज लक्ष्मण तोता अपने घर में अकेला बैठा सोच रहा था, मेरे पास कितना ज्यादा मालो दौलत है, मैं इतने माल को अकेला कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्यों ना मैं जंगल के अनाथ और गरीब पंछियों के लिए इस दौलत को खर्च कर दूं, इससे उनका भी भला होगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। लक्ष्मण तोता जंगल के सारे पंछियों को एक जगह बुलाने के लिए ऐलान करता है, सुनो 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 मेरे प्यारे पंछियों, मुझे एक जरूरी बात करनी है, तुम सब यहाँ पे जमा हो जाओ। जब सारे पंछी एक जगह पे जमा हो जाते हैं तो वे सोचते हैं, अरे ना जाने लक्ष्मण भैया ने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ, कैसी क्या बात है जिसके लिए लक्ष्मण भैया ने हम सबको यहाँ पे बुलाया है। जरूर कोई खास बात होगी, इसीलिए लक्ष्मण भैया ने सारे पंछियों को
एक साथ बुलाया है। इतने में लक्ष्मण तोता भी वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है, अरे मेरे प्यारे पंछियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, मेरे पास बहुत सारा माल है, लेकिन मैं अकेला इतना माल खत्म नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ ये सारा मालो दौलत अनाथ पंछियों के काम आ जाए। मैंने एक अनाथ आश्रम बनाने का फैसला किया है, जहाँ सब अनाथ पंछी बच्चे अपना जीवन खुशी से बिता सकेंगे। तमाम पंछी लक्ष्मण की ये बात सुनके बहुत खुश हो जाते हैं और उनके दिल में लक्ष्मण तोते की इज्जत और भी बढ़ जाती है। लक्ष्मण भैया, आपने ये बात करके हम सबके दिल जीत लिए हैं। आजकल के दौर में हर कोई माल जमा करता है, लेकिन आप अपना माल अनाथ बच्चों पे खर्च करना चाहते हो। अरे हाँ लक्ष्मण भैया, कोई दयालु हो तो आप जैसा हो। अब जंगल का कोई भी अनाथ पंछी परेशान नहीं होगा, क्योंकि आप सबका ख्याल रखोगे। लक्ष्मण तोते की जय हो। लक्ष्मण तोते की जय हो। इसके बाद लक्ष्मण तोता एक बड़ा सा आश्रम बनवाता है, जहां सब अनाथ पंछी रहने लग जाते हैं। वहां पर उन्हें जीवन का हर सुख मिलता है। तमाम पक्षियों के दिलों से लक्ष्मण तोते के लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। रानीपुर के जंगल में हर कोई बहुत खुश और सुखी जीवन बिता रहा था, लेकिन एक जालिम गिद्ध इससे खुश नहीं होता। वे चाहता है कि लक्ष्मण तोते की सारी दौलत पे वे कब्जा कर ले, क्योंकि वे बहुत लालची और जालिम था। एक सुबह लक्ष्मण तोता अकेला सुबह की सैर के बाद जंगल में वापस आ रहा था कि गिद्ध ने उसको देख लिया। गिद्ध ने लक्ष्मण तोते पे हमला कर दिया और उसे जान से मारने की कोशिश की। तोते की आवाज सुन के अनाथ आश्रम के सारे पंछी वहां पर आ जाते हैं और तोते को इस हालत में देख के परेशान हो जाते हैं। अरे अरे भाइयों, हमें लक्ष्मण चाचा को बचाना होगा। हाँ मेरे भाई, मेरे पास एक सुझाव है। हम सब मिलके उस गिद्ध पे हमला कर देते हैं, इस तरह हम लक्ष्मण चाचा को बचा लेंगे। तमाम पंछी मिलके गिद्ध पर हमला कर देते हैं। अचानक हमले से गिद्ध संभल नहीं पाता और बहुत जख्मी हो जाता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुमने सही समय पे आके मुझे बचा लिया, तुम सबका बहुत शुक्रिया। तमाम अनाथ बच्चे लक्ष्मण को जीवित देख के बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से उसको गले से लगा लेते हैं। लक्ष्मण तोते की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उसने अनाथ पंछियों को अपने साथ रखा। उन्हीं अनाथ पंछियों ने उसकी जान बचाई और उसकी बहुत सेवा भी की। तमाम अनाथ पंछी लक्ष्मण को अपने पिता की तरह प्यार करते। इस तरह रानीपुर के जंगल में सबके जीवन में खुशियाँ आ गईं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अनाथ बच्चों और गरीबों का ख्याल करना चाहिए और किसी के माल पे बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए।